Hey guys, my name is Rahul और welcome to new मतलब आपके साथ भी बिल्कुल ऐसे ही होता होगा। आप YouTube पे वीडियोस बनाने आते हैं और वीडियो जैसे स्टार्ट करते बीच में अटक जाते हैं, कुछ बोलने की कोशिश करते बोल नहीं पाते क्योंकि कैमरे के सामने सबकी फटती है, बोल नहीं पाता जल्दी कोई। तो गाइज अगर आपके साथ बिल्कुल भी ऐसा ही हो रहा है ना तो आप YouTube छोड़ दो, आप YouTube पे वीडियोस बिल्कुल भी नहीं बना पाओगे। रीजन मैं बता रहा हूँ, देखो YouTube पे वीडियोस बनाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कॉन्फिडेंस। अगर आपके अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, आप किसी भी टॉपिक पे वीडियोस बना रहे हो, जस्ट लाइक कि मान लो कि मैं टैग पे वीडियोस बनाते फोन का अनबॉक्सिंग रिव्यूज, वो फोन कैसा वर्क करता है, उसके अंदर क्या क्या ऐसी चीजें, ये सारी वीडियोस मैं कवर करता हूँ, तो इस चीज के लिए ना मेरे को चाहिए कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस अगर नहीं होगा ना आपके दिमाग में, आपके शरीर के अंदर ना, तो आप ये चीजें नहीं कर पाओगे। क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं क्या चीजें बोल रहा हूँ उसका क्या मतलब होने वाला है, मैं जो कैमरे पे बोल रहा हूँ वो क्या मेरी जो खुद की स्क्रिप्ट है वो उससे बिल्कुल अलग है या सेम है, मतलब ये जो चीजें है ना बहुत ज्यादा मैटर करता है। और देखो कोई भी ऑडियंस जब आपकी वीडियोज देखेगी ना तो ये जरूर देखती है कि आपकी वॉइस कैसी है, आप जो भी चीज बोल रहे हो कि आपके फैक्ट से बिल्कुल मैच करता है नहीं करता है, कि कहीं आप मिथ बोल रहे हो, तो ये चीजें ना गाइस बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर आप YouTube पे वीडियोस बनाते हो या वीडियोस बनाने की जस्ट अभी स्टार्टिंग कर रहे हो ना, तो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। देखो मान लो कि अगर आप कोई ब्लॉगिंग कर रहे हो तो हे गाइस वेलकम टू न्यू वीडियो, फिर आगे क्या बोलना है आप भूल गए, ऐसा नहीं होता है। आपको आगे क्या बोलना है, आपको एक फ्लो में बोलने के लिए ना एक फ्रीक्वेंटली फ्लो चाहिए कि आप ना किसी अपनी ऑडियंस को क्या समझा रहे हो, किस टाइप की आप वीडियोस बना रहे हो, क्या उसको बताना चाह रहे हो। जैसे कि कुछ लोगों की आवाज जो होती है ना काफी बोल्ड काफी प्यारी होती है, कुछ लोग वही हकला हकला बोलते हैं, तो अगर मान लो कि कोई ऑडियंस आपकी वीडियो देख रही हो तो हकला हकला की अगर आप बोलोगे तो थोड़ी ना सुनेगी, नहीं सुनेगी यार बिल्कुल भी, तो स्क्रॉल कर देगी तो आपका जो वीडियोस वैसे फ्लॉप हो जाएगा। तो सबसे पहले ना आप YouTube पे अगर वीडियोस वगैरह बनाते हो ना तो खुद में कॉन्फिडेंस लाओ और बोलने के तरीके को थोड़ा चेंज करो। हो सके ना तो थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन आप बार बार प्रैक्टिस करो, रिहर्सल करो, तो ना सब कुछ पॉसिबल है। तो गाइज अगर आप YouTube पे वीडियोस बनाते हो ना तो आपकी वॉइस काफी ज्यादा मैटर करती है, तो ये चीजों पर आप काफी ज्यादा ध्यान दो, उसके बाद ही आप वीडियोस बनाना स्टार्ट करो। तो गाइज ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वीडियोस बनाने के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, बाय।